सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आप लोग चाय कॉफी क्या लेंगे बताइए। अरे वो तो हम ले लेंगे, हम क्या पूछना चाहते हैं, मायरा तुमसे प्यार तो करती है ना? हाँ करती है। हाँ तो बस 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 बात हो गई। वो तुमसे प्यार करती है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो शादी मना के अपनी घर गृहस्थी बसा के साथ में। हाँ एक मिनट, ये शादी की बात अचानक कहाँ से आ गई, क्या हुआ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे माँ है तुम्हारी, हमको ही अकेले अकेले इतने बड़े घर में रह रहो है, जान नहीं चलेगी हमारी। हम तो बस चाहते हैं तुम शादी कर लो और अपनी घर गृहस्थी बसा के सुखी जीवन व्यतीत करो बस। अच्छा आप लोग ना बात को घुमाइए मत, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बात कुछ और है। तो सच सच बात कह ही देते हैं कल्याणी, हमारे दिल में नहीं रख सकते है ना। देखो सार्थक, सच बात तो ये है कि तुम्हारे पापा जो है ना वो सठिया गए हैं। अरे दिल का दौरा पड़ा है लेकिन असर दिमागे पे पड़ गया है, जानते हो क्या करने जा रहे हैं? अरे वो तुम्हारी सृष्टि की दूसरी शादी कराने जा रहे हैं, आप बताओ। हम ही चाहते हैं कि इससे पहले कि वो शादी करे तुम शादी करके उसके मुंह पे जूती मारो। देखो इज्जत का सवाल है, समाज में हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। हाँ बस सृष्टि, सृष्टि की शादी किससे? उसका बॉस है ना अंगद। अरे उसी से। क्या रिश्ता तुम्हारा उसके साथ? अंगद और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। खुश? नहीं जल्दी से तुम दोबारा सहरा पहन ताकि सृष्टि की दूसरी ग्रह प्रवेश की छोटी सी उम्मीद भी खत्म हो। उसके बाद उस अंगद के घर के दरवाजे भी उसके मुंह पर बंद करवा देंगे हम। फिर वो सृष्टि ना घर की रहेगी ना खाट की। अब बताओ सी दुनिया उजड़े जा रही है कि वो लड़की एक ही साल में किसी और से दोबारा शादी करने के लिए मान गई। देखो अरे हम तो कहते हैं हमारी जबान बहुत ही कड़वी है लेकिन हमेशा सच बात बोलते हैं हम। अरे वो तो सार्थक को नीचा दिखाने के लिए कर रही है ये सब। अरे तबाह तो भैया तुम्हारे घर के सामने घर लेकर बैठी है ताकि तुम्हें दिखा दिखा कर उस अंगद के साथ गुलछर्रे उड़ा सकती है। अरे हम तो कह रहे हैं वो सब कर रही है ना ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। ये सब उसकी चाल है बदला लेने की, समझ रहे हो सार्थक? देखो सार्थक सही बात कहे तुम्हें, एकदम दिल की बात कह रहे हैं माँ वाले। हमको वो लड़की कब भाई एक आंख नहीं सुहा, सिर्फ तुम्हारे प्यार के चक्कर में इस शादी को हामी भर दिए। और अब देखो नियति ने तुम दोनों को अलग कर दिया है और अब वो शादी करने जा रही है, तो इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाए तुम आगे बढ़ो और शादी करो और उसके अहंकार को जो है ना चकना चूर कर डालो बस। बात करो माहिरा से है ना।
बेटा तुम दोनों ने आज हमें इतना खुश कर दिया है कि अब ये दिल का दौरा हमें कभी परेशान नहीं करेगा। पापा अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, आप ये सब बातें मत कीजिए प्लीज। अच्छा भाई नहीं करेंगे, बस अब खुश जी। अरे भारती, बच्चों ने शादी के लिए हाँ कर दी है, घर में सहनाई बजने वाली है, कम से कम मुंह को मीठा करवाओ इनका। ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी ले आते हैं। लो भाई। घर में मीठा तो कछु था नहीं, तो बस ही शक्कर ले आए हैं। इससे भी मुंह मीठा होता है, ये भी सगुन ही है। ले लीजिए। आजीवन खुश रहो, इसी तरह हमेशा खुश रहो। बस बस, हमारे पाए छूने की कोनो जरूरत नहीं है, औपचारिकता है ना, ऐसे ही आशीर्वाद है आप दोनों। बेटा जब तुम दोनों ने फैसला कर लिया है तो फिर जल्दी से एक अच्छी सी तारीख निकाल कर शादी कर लो। जी मैं माँ से बात करता हूँ, फिर तब बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। हाँ हाँ फौरन भाई, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अपनी माता श्री को जल्दी से बता दो, क्योंकि हमें भी तो बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। बेटी की शादी में बहुत सारे काम होते हैं। अरे सांस ले लीजिए, थोड़ा सांस ले लीजिए। अब भाई इतनी बड़ी बीमारी से उठे हैं आप, आराम कीजिए, दवाई खा लीजिए। ये लोग कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, फिर बात कर लीजिएगा आराम से। अरे भारती अब हम ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे, हमें किसी दवा ववा की जरूरत नहीं है। कहती हो तो ले आओ खा लेते। पापा को इतना खुश हमने बहुत वक्त के बाद देखा है। थैंक यू। आई एम श्योर माँ भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। हरी की मालकिन आया। की मालकिन, अंगद बाबा की शादी तय हो गई है। पूरे मोहल्ले में, मेरे सभी दोस्तों में, नाते रिश्तेदारों में और सारे स्टाफ में मिठाइयां बंटवाओ। जी। और सबसे कहना, बाबा की शादी पर पूरे स्टाफ को नए कपड़े और बोनस दिया जाएगा। जी। So happy. अंगद, congratulations. Welcome to the family, Srishti. So, finally it's official. Yes, brother. Thank you, ma'am. नहीं बेटा, आज से इस घर में तुम किसी को भी मैम या सर नहीं बुलाओगी, अंगद को भी नहीं। अंगद की तरह ही मुझे तो माँ कहोगी, और गौतम नवेली को भैया भाभी, ठीक है? अच्छा नवेली बेटा, जरा मेरी तिजोरी में से खानदानी कंगन ले आना। तो ये
सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज मैं अपने हाथों से अपने घर की छोटी बहू को शगुन दूंगी। जाओ बेटा। जी माँ। देखा गौतम, माँ ने मुझे तो आज तक कोई खानदानी गहने नहीं दिए, लेकिन इस सृष्टि को खानदानी कंगन दिए जा रहे हैं। जानता हूं ना फिर, लेकिन कर भी क्या सकते। बचपन से लेकर आज तक माँ ने अंगद को ही अपना लाडला माना। गौतम, अंगद तुम्हारा छोटा भाई है, यह कह कहकर मेरे हक की भी खुशी उसे ही दे देती है। और अब तो उनकी एक और छोटी फेवरेट नई बहू आने वाली है, सृष्टि। पता नहीं क्या होगा। अब मेरा पेशेंस लेवल क्रॉस हो चुका है। अब अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो हमारी औकात सर्वेंट्स जितने रह जाएगी। तुम ठीक कह रही हो नवेली, शादी रोकनी होगी। चलो। माँ ये लीजिए खानदानी कंगन। ये मेरी तरफ से तुम्हारा शगुन है। इस कंगन की असली हकदार हो तुम। हाथ आगे बढ़ाओ बेटा। नहीं माँ, ये हम कैसे ले सकते हैं? और बेटा ये शगुन है, ऐसे मना नहीं करते। मेरा आशीर्वाद है। हाथ आगे बढ़ो। हमारे खानदान की बहू बनने जा रही हो तुम, आदत कर लो इन सब चीजों की। बेटा आज शाम को अपने पापा को ले आना, मैं पंडित जी को बुलवा लूंगी। शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। वहां इतनी जल्दी क्या है, हम आराम से भी तो सब। शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए बेटा। सृष्टि, शाम को तुम अपने पापा के साथ आ जाओ। जी। तुम्हारे पापा जो है ना, वो सठिया गए हैं। अरे वो तुम्हारी सृष्टि की दूसरी शादी कराने जा रहे हैं। आप बताओ। सृष्टि की शादी की बात से हमें क्यों इतनी दिक्कत हो रही?
क्या हम आज भी सृष्टि से? मायरा क्या हमारा सिर्फ अट्रैक्शन है या ये प्यार? कौन सही है हमारे लिए? दृष्टि जैसी समझदार लड़की जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाए, या फिर मायरा जैसी डोमिनेटिंग लड़की? मायरा हमारी पत्नी बनने के लायक है भी या नहीं? बताओ का जमाना आ गया, उल्टे ही गंगा बह रही है। हाँ, कभी जिंदगी में सुना है तुमने कि ससुर जो है खुदा ही अपनी बहू का बिहार रिचाने पे तुला पड़? हम तो कहते हैं कि बिरादरी में हमारी नाक कटा के रहेंगे, और उनका तो छोड़ो सृष्टि का देखो है? सारी लोक लाज लज्जा जो है बेचई के खा गई है ये लड़की, तो जाने कैसे हाँ कर दी भाई इसने बिहा के लिए। कल तक तो सार्थक 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 प्यार सार्थक ही चलता था, और सार्थक से बराबरी करना चाहती और का? अरे एक मिनट, सार्थक का कैसे करेगी बराबरी? हाँ, सार्थक लड़का है और इस रिश्ते लड़की है, और लड़की का खूंटा एक बार जो आंगन से बंद गया ना तो अर्थी उठे के बाद ही उखड़ता है। वैसे एक बात कहे कल्याण, हमें बहुत चिंता हो रही है। अरे सार्थक अगर शादी के लिए नहीं माना। अरे परेशान काहे हो रही हो मम्मी, हम अभी जिंदा है ना, हम उसकी टोली इतनी आसानी से उठने नहीं देंगे। हाँ, पापा की तबीयत कैसी है? अब सो ही रहे हैं। अच्छा है, ठीक है। आए इस रिश्ते वो अंगद की मम्मी का बोली तुम दोनों के रिश्ते के लिए? वो तो पहले से ही चाहती थी कि हमारा और अंगद का रिश्ता हो जाए, सब खुश है। चलो अच्छा है सृष्टि कि तुमने भी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच लिया है, आखिर कब तक रुकी रहती तुम, है ना? वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। जी पूछिए। तुम वाकई सार्थक को भूल गई का? नहीं, सार्थक को भूलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बात हमने मान ली है कि उसके और हमारे रास्ते अब कभी एक नहीं हो सकते। वो अगर वापिस आना चाहे तब भी नहीं? वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा।
तुम प्यार व्यार के बारे में ना हमसे ज्यादा जानती हो, ये बात हम मानते हैं, लेकिन हमारे भाई को हम तुमसे भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं। अरे वो कल ही मिला था हमें, बिल्कुल चेहरा जो है ना वो सूखा टिंडे जैसा हो गया है उसका। बातों से लग रहा था कि वो मायरा के साथ बिल्कुल ही खुश नहीं है। तो न जाने हमारे मन में ऐसी कैसी बात आ गई कि तुम अब कभी नहीं हो सकता। सार्थक और हम अब तो अलग रास्तों पर चल चुके हैं। यही हम दोनों की जिंदगी के लिए भी बेहतर है। हम अब कभी एक नहीं हो सकते। हमने हमारे काम कर दिया है मम्मी। जो बात सृष्टि के मन में बिठानी थी उसका बीज बो दिया है। अब जैसे ही उसकी जड़ें फैलेंगी उसका घर तो नहीं बस पाएगा,